हॉर्टिकल्चर सेकेंड ईयर सब्जेक्ट कोड BC204 टॉपिक क्लिंजिंग लोशन माई सेल्फ अर्चना गुप्ता लेक्चरर ब्यूटीकल्चर गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज हमारा टॉपिक है क्लिंजिंग लोशन। क्लिंजिंग लोशन चेहरे को धोने के लिए हम फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फेस वॉश सिर्फ त्वचा को बाहर से ही साफ करता है। त्वचा को अगर गहराई से साफ करने के लिए फेस वॉश नहीं क्लिंजिंग लोशन का इस्तेमाल करना चाहिए। क्लिंजिंग लोशन कोल्ड क्रीम के समान ही होता है, प्राय इसमें पानी अधिक अनुपात में होता है, इसलिए यह पतला होता है। क्लिंजिंग लोशन त्वचा के रोम छिद्रों में जाकर गहराई से सफाई करता है। चेहरे की मृत कोशिकाओं, धूल, मिट्टी, तेल व मेकअप को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। त्वचा में नमी का स्तर बनाए रखता है। क्लिंजिंग लोशन त्वचा का पीएच स्तर बनाए रखने में मदद करता है। अगर हमारी त्वचा अच्छे से साफ नहीं होती है तो वह ड्राई और ऑयली हो जाती है और साथ ही केल मुहासे पिंपल्स भी निकल आते हैं। क्लिंजिंग करने से त्वचा ताजी और निखरी हुई लगती है। क्लिंजिंग लोशन को टिश्यू पेपर या कॉटन पर लगाकर त्वचा को साफ किया जाता है तो त्वचा साफ व चमकदार दिखाई देती है। क्लिंजिंग लोशन बनाने के लिए हम दो विधि काम में लेते हैं। पहली है वाटर बाथ रेगुलेटर मेथड और दूसरा है डबल बॉइलिंग मेथड। पहला है वाटर बाथ रेगुलेटर मेथड। वाटर बाथ रेगुलेटर विधि से अगर क्लिंजिंग लोशन बनाने से ये लाभ होता है कि पदार्थ एक तो अधिक गर्म नहीं होता है, आग लगने की आशंका भी नहीं रहती है। इस विधि में थर्मामीटर की आवश्यकता भी नहीं होती है क्योंकि इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, जिससे जितना टेम्परेचर की हमें आवश्यकता होती है उतने पर हम उसको सेट कर देते हैं। और इस विधि में हमें कांच के बीकर और बाउल उपयोग में लेने चाहिए। दूसरी विधि है डबल बॉइलिंग मेथड। एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता या कलाई के हुए बर्तनों को हम काम में नहीं लेंगे, हम स्टील के बर्तनों का प्रयोग करेंगे। इस विधि में थर्मामीटर की आवश्यकता होती है। कॉस्मेटिक बनाने के लिए सेंटीग्रेड थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। यह डॉक्टरी थर्मामीटर से 2.5 गुना लंबा होता है। डबल बॉइलिंग विधि में एक बड़ी भगोनी लेंगे, दो छोटी भगोनी लेंगे। बड़ी भगोनी में थोड़ा पानी भर लेंगे और उसे आग पर रखेंगे। जब इसमें पानी गर्म हो जाएगा तो छोटी भगोनी इसमें इस ढंग से रखेंगे जिससे कि वह इस बड़ी भगोनी में भरे पानी पर टिका रहे और बड़ी भगोनी का जो पानी है उस छोटी भगोनी के अंदर ना आए। जब बड़ी भगोनी का पानी गर्म होगा तो वो छोटी भगोनी के बर्तन को भी गर्म करेगा और छोटी भगोनी में जो मिश्रण है हमारा वो पिघलना शुरू हो जाएगा। तेल और मोम को हम डबल बॉइलिंग विधि में ही पिघलाते हैं डिस्टिल वाटर में। घुलनशील को हम डायरेक्ट विधि द्वारा गर्म करते हैं। डायरेक्ट बॉइलिंग विधि में हम डिस्टिल वाटर और जो हमारे पानी में घुलनशील जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम डायरेक्ट विधि में गर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं वाटर फेस। और डबल बॉइलिंग मेथड में हम जैसे ऑयल है, वैक्स है, इनको मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑयली फेस। 100 ml क्लिंजिंग लोशन बनाने के लिए हमको जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होगी उनमें है मिनरल ऑयल 100 ml, इसको हम लिक्विड पैराफिन भी बोलते हैं, स्टेरिक एसिड 45 ग्राम, ग्लिसरीन 7.5 ml, ट्रायथलोनोमाइन 6 ml, डिस्टिल वाटर 18 ml, मिथाइल पैराबेन 1 ml, परफ्यूम 1 ml। विधि क्लिंजिंग लोशन बनाने के लिए हम डबल बॉइलिंग विधि से का प्रयोग करेंगे। डिस्टिल वाटर में ट्रायथलोनोमाइन को घोलकर आग पर गर्म होने के लिए रख देंगे। ये हमारा वाटर फेज है। डबल बॉइलिंग विधि में मिनरल ऑयल और स्टेरिक एसिड को पिघलने के लिए रख देंगे। कुछ समय में स्टेरिक एसिड पिघलने लगेगा, उसे हम निरंतर चलाते रहेंगे, तब वह अच्छे से मिनरल ऑयल में मिक्स हो जाएगा। दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। दोनों का वाटर फेज और ऑयल फेज दोनों का हम तापमान चेक करेंगे थर्मामीटर से, जो कि सेंटीग्रेड वाला होगा। तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर दोनों को नीचे उतार कर हम डिस्टिल वाटर में जो हमारा ट्रायथलोनोबाइन था जो कि वाटर फेज था
के मिश्रण को हम धीरे धीरे पतली धार से ऑयल फेज वाले मिश्रण में डालते जाएंगे और मिक्सर से लगातार हम उसको चलाते जाएंगे, लगातार चलाते रहेंगे। और अगर हम उसको लगातार नहीं चलाएंगे या हम वाटर फेज को एक साथ ऑयल फेज में डाल देंगे तो हमारा मिश्रण अलग अलग हो सकता है। अब इसमें हम ग्लीसरीन में मनपसंद सुगंध और संरक्षक द्रव्य जो कि मिथाइल पैराबेन है को मिलाकर मिश्रण में मिला देंगे और उसे हम वापस हैंड ब्लेंडर से मिक्सिंग करेंगे। लोशन कम गाढ़ा रखा जाता है क्योंकि त्वचा की संपूर्ण सफाई के लिए इसका रोम छिद्रों में समाहित होना आवश्यक होता है। मिनरल ऑयल यह त्वचा पर आसानी से लगाया जा सकता है, इसमें बदबू नहीं होती है, त्वचा पर नमी बनाता है, इसमें परफ्यूम मिलाना भी आसान होता है और ये त्वचा पर बैरियर का काम करता है। इसको लाइट लिक्विड पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा स्टेरिक एसिड। इसका प्रयोग कॉस्मेटिक में प्रचुर मात्रा में किया जाता है। यह चर्बी व अन्य वसाओं से स्टीम की उपस्थिति में चूने या मैग्नीशियम द्वारा साबुनीकरण करके बनाया जाता है, जिसे बाद में तेजाबों से प्रभावित करके शुद्ध कर लिया जाता है। ये तेल में घुलनशील होता है, अतिरिक्त तेल धूल मिट्टी को हटाता है। यह सफ़ेद व हल्के पीले रंग का होता है, त्वचा को मॉइस्चर देता है। सामान्यतः जो स्टेरिक एसिड्स होते हैं वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पिघल जाते हैं, जबकि शुद्ध 100% स्टेरिक एसिड 69 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ही पिघलता है। थर्ड है ट्रायथेलोनामाइन। ये रंगीन या हल्के पीले रंग का एक गाढ़ा द्रव्य होता है और इसको अधिक तापमान पर गर्म करते हैं तो ये काला पड़ जाता है। ये एक क्षारीय पदार्थ है और ये कॉस्मेटिक में इमल्शन बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लीसरीन। ये पानी की तरह निर्गंध, साफ, शरबत की तरह गाढ़ी होती है। ये हमारी त्वचा की कोशिकाओं को फिर से जीवित करने के लिए उत्तेजित कर सकती है, इसलिए इसको कॉस्मेटिक, फेस पैक, शैम्पू में उपयोग किया जाता है। इसे ग्लिसरॉल भी कहते हैं। ये ड्राई त्वचा पर नमी वृद्धि व त्वचा को साफ करती है। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिल वाटर। क्लिंजिंग लोशन बनाने के लिए हम डिस्टिल वाटर का उपयोग करेंगे। प्राकृतिक पानी में कई अशुद्धियाँ होती हैं तो प्राकृतिक पानी का वाष्पीकरण किया जाता है। इस वाष्प को ठंडा करने से जो पानी प्राप्त होता है वह 100% शुद्ध पानी या डिस्टिल वाटर कहलाता है। नेक्स्ट है मिथाइल पैराबेन जो कि हमारा प्रिजर्वेटिव है। क्लिंजिंग लोशन को अधिक समय तक टिकाऊ और संरक्षित बनाने के लिए हम प्रिजर्वेटिव का उपयोग करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन में फंगस कुछ प्रकार के बैक्टीरिया की वजह से विकसित होती है। इसके कारण सौंदर्य प्रसाधन में जो गुण होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं, तो जो फफूंदी पैदा होती है उसको समाप्त करने के लिए हमें इसमें कुछ रसायन मिलाने पड़ते हैं और इन रसायनों को ही हम संरक्षक द्रव्य कहते हैं। संरक्षक द्रव्य में क्या गुण होने चाहिए? संरक्षक द्रव्य सौंदर्य प्रसाधन की प्रत्येक अवस्था में एक प्रभावकारी होना चाहिए। ये रंगहीन और गंधहीन होना चाहिए, क्रीम में घुलनशील होना चाहिए और इसको क्रीम में मिलाने से त्वचा पर कोई भी नुकसान ना दे। नेक्स्ट है हमारा परफ्यूम। सौंदर्य प्रसाधनों में सुगंध का विशेष महत्व है। सुगंध मोहक होनी चाहिए और कॉस्मेटिक के रंग पर भी इसका कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े, इसलिए रोज़ ऑयल आदि का उपयोग किया जा सकता है और किसी दो या तीन परफ्यूम के मिश्रण से भी हम तैयार कंपाउंड को काम में ले सकते हैं। सुगंध की मात्रा कम या अधिक करके हल्के या तेज सुगंध वाले कॉस्मेटिक भी हम तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।